السلام السلام عليكم भाई मेरी खाला थी, उनका जो सर है ना वो फटी है, वो स्लिप हो गई थी तो उनके सर फटी है। अभी हम उनको देखने जा रहे हैं, तो चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। और क्या शायद ही मैं दिखा पाऊँ, कंफर्म नहीं है। और पहले आप अपनी बहन के लोग चेक करें, मैं आपको दिखाती हूँ ये भाई। और व्यू भी सही नहीं आ रहा क्योंकि कपड़े धुले हैं तो सूख गए। और आप सबको मैं दिखाती हूँ अपने फुल लोग। और चलिए चलते हैं। और भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे, आपकी बहन नहीं बोली तो आप लोग कर ही नहीं रहे। चलो गाइस ठीक है, तरीके ना कोई देख रहा है आपको, तो अभी चलते हैं फुल लोग दिखाते हैं। सकते हैं यहाँ पर तो गायें भी है, होए होए मेरी पसंदीदार गायें। गजब बेइज्जती है। देख सकते हैं ये कितनी अच्छी है, एक तो बहुत ही खराब है, दूसरी और ये तीसरी। फाइनली हमने खोज चुके हैं और ये मेरी मम्मा की कज़न है, तो हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मैं आपको सबको दिखा नहीं सकती। तो अभी हम काशन देवी को देखने आए हैं। हमारे घर तो लाइट होती नहीं है और यहाँ पर भी नहीं होती भाई, पूरे 7 घंटे लाइट उठी 24 घंटों में से। देख सकते हैं कहीं पर भी लाइट नहीं है। एक इसने रोशनी फैलाई भी, आपकी बहन ने अनाज या कोई भी लोग ने रोशनी फैलाई है। बस ये देखो ये मेरी चाँद कितना प्यारा, और एक चाँद आप हर रोज देखते हैं, डेली व्लॉगिंग करती है जो अनाबिया कोई व्लॉग। स्कूटी लो ले ली और यहाँ पर भी भाई हम इसकी वजह से पैदल चल रहे हैं, इसको स्कूटी चलानी है। तो अभी चलते हैं नानी के यहाँ, जा रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं पेरेंट्स कितने अच्छे हैं। नानी के घर पर आए थे क्योंकि मामी हमारे साथ थी, तो मामी हमें ले आई। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई काशन भी दस्ते लगा हुए, और क्या बस बताओ क्या क्या इसमें लगाए। तो सही, ये तो भाई है, ये आलू पालक है, ये लस्सी है, ये आलू भाई फुल पंजाबी वाला सेटअप है। मैं तो ये खाऊंगी। ये किसने बनाया पुलाव? ये हमने बाहर से मंगवाया। और ये किसने बनाया? ये घर में बनाया। ये किसने बनाया? ये भी घर में बनाया। ये किसने मंगवाई? ये मैंने बनाई है लस्सी। अच्छा ये रोटी काशन भी खा गए। सलार भी सलार, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाथ में मिला लो। और इसके लिए मटर पुलाव लाए क्योंकि ये एक चने का पुलाव है, हम इसके लिए मटर पुलाव लिया है। कहे ना सलाह, ये देखो माशाल्लाह भाई, कल के ब्लॉग में भी आया होगा आपके साथ क्योंकि मेरी जानू जानू हर ब्लॉग में मैं इसको लेती हूँ। मैंने अपनी बेटी के हाल हवाल पूछ के आ जाऊँ, लेकिन वो वॉशरूम गई फेस वॉश करने, तो उनके सर मतलब फट गया था और उनको कितने 10 कांटे आए, वो स्लिप हो गए थे। 10 कांटे आए और आप सब उनके लिए दुआ करिएगा, उनको अल्लाह ताला जल्दी से जल्दी से तैयार कर दो। उनके इतने सारे गिफ्ट गायब हो गए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती गाइस। एक काशन ने बाल्टी ना एक बाल्टी उससे भी ज़्यादा खून गया हुआ है गाइस, बस अल्लाह ने उनको बचा लिया। और आप सब दुआ करिएगा हम वो उनकी सेहतियाब के लिए, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहतियाब कर दे। और वो मेरी सगी खाला नहीं है, मेरी मम्मा की कज़न है, तो इसलिए मैं मेरी खाला हूँ और काशन जी की वो सगी खाले। हम लोग सब आपस में रिश्तेदार हैं और ये काशन भी मेरे मामू के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम काशन भाई। कैसे हैं आप? अभी क्या कर रहे हैं? काम कर रहा हूं। काशन ने मेरे लैपटॉप की स्टडी करो। काशन भी बेचारे जब भी हमारे घर पर आते वैसे तो अरोज आते क्योंकि मैं इनको फ़ोन करते हुए आ देते, या तो मैं बाहर जाना होता है या तो मैं अपने लैपटॉप की काम करवा देती। काशन भी बेचारे, अभी आप मुझे बाहर लेके जाओगे? नहीं। क्यों? काम क्या काम? अभी 5 मिनट हो जाएगा, फोन से ही जाओगे? अलवर जाने थे गाय से, तो अभी हम लोग खेलेंगे तो गाय से भी मैं आप सबको भी दिखाऊंगी काशन भाई आपके लोग। और आप सब उनके लिए दुआ भी करिएगा, मेरी खाला उसके लिए काशन मिल जाएगी, काशन मिल जाएगी। तो बस फाइनली
लग के मैंने खाना भी खा लिया, काजल मैं भी लैपटॉप की सेटिंग करके चले गए और अभी मेरा स्टडी टाइम है क्योंकि मुझे जल्दी स्टडी करके फिर जल्दी से सोना भी सुबह स्कूल है। तो आप सब मेरी खाला के लिए दिल से दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सदियाब कर दें। तो आई हो भी वाले ब्लॉग बहुत छोटा होगा, इसमें कुछ करने को खास था नहीं, तो इस ब्लॉग को यहाँ पर करते हैं फुल स्टॉप। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, मिलते जुलिए नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक फॉर वॉचिंग, बाय।